हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 95 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा SICI पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच, दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि इस सवाल को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, ठीक है। दो तरीके का मतलब क्या है, एक तो हमारा फंडामेंटल जो है वो मैं एकदम कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता दूंगा आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट उसका आंसर निकालोगे, तो क्या फंडामेंटल, चूंकि उसे मुझे बनाना नहीं है, ठीक है। मैं कभी वैसे सजेस्ट नहीं करूंगा आपको बनाने के लिए। इस टाइप के सवाल को बनाना कैसे होता है ये समझना हमने, ठीक है। चलो देखो सवाल में सबसे पहले पूछा क्या है, मैंने सवाल पढ़ लेना है पहले। क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इन्वेस्टेड अमाउंट विथ हिम एट द रेट ऑफ 28% पर एनम, ठीक है। कोई पर्सन अमाउंट इन्वेस्ट करता है 28% पर एनम पे, देन द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 75 मंथ, ठीक है। 75 मंथ, यानी कि क्या हो गया, 75 मंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले जो जो बोला है रॉ डाटा उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 72 प्लस में क्या 3 मंथ, 72 तो क्लियर है, 12 × 6 यानी कि 6 ईयर, और 3 मंथ का मतलब क्या हो गया, 1/4 ईयर, ठीक है। जैसे आप सॉल्व करोगे तो यही आपको मिलेगा क्या, 24/4 ईयर, ठीक है। मंथ वाज रुपीज कितना, 43750, ठीक है। जैसे ही ऐसा सवाल मिला आप तुरंत से पेन उठाओगे और लिखना शुरू कर दोगे P × 75 × 28, चूंकि मंथ में है तो नीचे 12 से भी डिवाइड और 100 से डिवाइड, इज इक्वल टू 43750। और यहाँ से सबसे पहले प्रिंसिपल निकालोगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे सवाल में देखो और क्या बोल रखा है, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करके चलो प्रिंसिपल भी निकाल लिया। मैंने सॉल्व किया हुआ, मैंने पहले ही बोला था आपको ना कि मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा, ये जस्ट जो नॉर्मल सवाल पढ़ने के बाद होता है वो लोग करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से सॉल्व करोगे आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा 250000, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल ही गेट इन 2 ईयर, 2 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, इफ ही इन्वेस्ट द सेम अमाउंट विथ हिम, अगर वो सेम अमाउंट अपने से इन्वेस्ट करता है 28% पे ही, सेम रेट पे, ठीक है। पहले भी 28 था, अभी भी 28 है। पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंड हो तो, ठीक है। तो देखो जब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, हाउ मच कंपाउंड सेम अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल और रेट तो आपका सेम ही हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल भी सेम, रेट भी सेम। अब यहाँ पे समय दे दिया कितना, 2 साल, ठीक है। आपसे क्या निकालना है, 2 साल का आपको क्या निकालना है, 2 ईयर का CI निकालना है। तो 2 ईयर का CI, अगर आपको CI निकालना है तो नॉर्मली आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, प्रिंसिपल जो कि हमारा कितना है 25000, और फिर यहाँ पे आप लगाओगे 1 + 28/100 2 power 2 और -1, और चूंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा, है ना, कि अब अगर कैलकुलेशन में तेजी हो तो नो डाउट आप ला सकते हो 1596000, जो कि क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं इससे इसलिए मैं इससे डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, चलो आप कोई भी प्रोसेस आप CI निकालने का यूज़ करते होगे, ठीक है, मैं तो नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखा हूँ, कोई भी प्रोसेस आप यूज़ करते हो तो आप ऐसे ही निकालते होगे। लेकिन जो मेन तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, मेरे केस में वहाँ पे थोड़ा सा भी कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। देखो क्या है मेन सवाल क्या है हमारा, कि जब 4 साल, कितना साल है हमारा, 25/4 सालों का जो इंटरेस्ट है हमारा वो है 43750, ठीक है। तो यहाँ से हम SI का कंडीशन जानते हैं, हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम 1 साल का तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, ये सारा तो यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा वो कितने साल का हम लोग निकाल रहे हैं, 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 43750, ठीक है, बटा में क्या 25/4, 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। आप इसे काटोगे आसानी से तो ये आसानी से आपको दे देगा कितना, 70,000, ठीक है। ये आसानी से कितना दे देगा आपको, सारा 25 के टर्म है, आसानी से कट जाएगा, ठीक है। कितना दे दिया, 70,000। जब 70,000 आ गया, 1 साल का SI बोलो 70,000, 2 साल का, दूसरे साल का भी SI बोलो 70,000, SI जो होता है हमारा वो सभी साल का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो जब सभी साल का SI इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि प्रिंसिपल तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। प्रिंसिपल क्यों निकालना, इस केस के लिए भी प्रिंसिपल P है और हमारा CI के लिए भी प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल बदलने वाला है क्या। अब जो CI बोला है वो तो 2 साल का बोला है, तो पहला साल और दूसरा साल,
इसी पे 28% ही लगना है, पहले भी 28% लग रहा था, तो पहले भी अगर 28% लगाते प्रिंसिपल पे तो एक साल का हमें कितना मिलता, 70,000 ही मिलता। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कितना, 70,000 एक साल का, और सेकेंड ईयर में भी, चूंकि हर साल का ऐसा ही क्या होता है, बराबर होता है 70,000। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि सीआई निकालने के लिए बोला है, तो सीआई देखो कैसे निकलता है। हम जानते हैं इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट इज नोन एज व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जस्ट हमको क्या करना है, जो पहले साल का इंटरेस्ट है उसको किस में दे देना है, दूसरे साल के इंटरेस्ट में दे देना है, यानी इसी पे एक नॉर्मल रूप से हमें क्या लगाना है, 28% लगा देना है। जब 70,000 का 28% लगाएंगे तो सीधा से 7 × 28 कर देंगे, 7 × 28 हो जाएगा हमारा 196 और 2 जीरो है, यानी कि 00, यानी कि जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 2 साल का वो हमारा कौन सा अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है। अब यहाँ से बस इसमें ऐड कर देना है, 70,000, 70,000 कितना देगा, 1,40,000। ठीक है, यहाँ से 140,000, और यहाँ से हमारा 196,000 आया ही था, तो यहाँ पे हम लिख दिए 196,000। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 006, यहाँ पे 9415 और 1 यहाँ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 159,600। देखो यहाँ क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो गया हमारा, कि इसमें हम लोगों को कोई प्रिंसिपल निकालने का झमेला नहीं है, कुछ निकालने का झमेला नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते। अब बोलोगे कि इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या, इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है कि यहाँ पे हमारा कॉमन क्या था, रेट कॉमन था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कॉमन था, रेट कॉमन था, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो प्रिंसिपल पे, अगर यहाँ पे रेट कुछ और रहता, यहाँ पे कुछ और रहता, तब तो यहाँ पे ये 70,000 एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि रेट कॉमन था हमारा, इसलिए यहाँ पे जाके हमारा, जब एक साल का ऐसा ही डायरेक्ट ही यहाँ पे निकाल दे, तो क्यों एक साल का पहले यहाँ 25,000 निकालेंगे और फिर यहाँ पे 250,000 का 28% निकालेंगे तो 70,000 आएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जब हमको प्रिंसिपल का कोई यूज ही नहीं है, सीधा सीधे हमको क्या बताना है, सीआई बताना है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 70,000 और यहाँ पे 196,000। होप आप लोगों को क्लियर होगा, और भी कुछ नहीं था इस सवाल में, एकदम बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है।